दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं केबीसी का गेम जहां पे हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा यहां पे है। जो कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं वो सभी ऑडियंस को ना ब्रीफिंग करते हैं कि उनको कैसा बिहेव करना है सेट पर। अभी नया एपिसोड है तो मौसम ढूंढने में भी आधा घंटा जाता है तो उतना टाइम वेस्ट होता है, तो रिक्वेस्ट है कि अवॉइड कीजिएगा। एपिसोड होने के बाद, एपिसोड खत्म होने के बाद है ना, इन्होंने अपना वेटिंग एरिया बना के रखा है। जो भी ऑडियंस यहाँ पर आती है उनके लिए यहाँ पर वेटिंग एरिया है। ये तो हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आपके सामने आ गया एक नया वीवर ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जाने वाले केबीसी, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन का शो है। ये गोरेगांव में पड़ता है, आपको मालूम है गोरेगांव में फिल्म सिटी है जहाँ पे केबीसी का ही पूरा शो होता है। तो यहाँ पे कैसे जाते हैं और यहाँ से टिकट, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कभी इसके पहले कभी गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मेरा पहला शो है, ऐसे रियलिटी शो में मैं फर्स्ट टाइम भाग ले रहा हूँ। और यहाँ पे कैसे जा सकते हैं तो वीडियो में बने रहेगा, इस सारी चीज़ों का डिटेल मैं इस पूरे वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, जहाँ पे हमको जाना है तो वहाँ के लिए हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं देख सकते हो अभी घर पे हूँ और यहाँ से निकलते हैं केबीसी गोरेगांव के साइड में। गोरेगांव पहुँच के वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होगा पूरे लास्ट में वीडियो में बनेगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं केबीसी का गेम जहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा यहाँ पे है फिल्म सिटी में। केबीसी हमारे साथ है जीजा। अभी आप कितने टाइम पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे? मुझे एक घंटा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे अभी लंच किया, चाय लिया, उसके बाद अभी आप लोग भी जाइए वहाँ पे चाय लंच कीजिए। अभी थोड़ी देर में सहनसा आएंगे, फिर हम लोग वहाँ को शो को एंजॉय करेंगे। तो आप लोग सब साथ में चलिए, एंजॉय कीजिए शो को, ठीक है? चलो तो दोस्तों वीडियो में बने रहो और मैं आपको बताने वाला यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या, जैसे मैंने बताया कि टिकट के चार्ज क्या होते हैं, ये फ्री में आना पड़ता है, और खाने पीने की जो सारी व्यवस्था है इस सारी चीज़ का वीडियो में पूरा बताएंगे। तो वीडियो में बने रहो और अभी हम देख रहे हैं अभी गेट के अंदर जाएंगे, पास हम लोग अभी पास मेरे पास आ चुके हैं, वेरीफाई करेंगे तब अंदर की साइड में जाएंगे। तो वीडियो में बने रहो। लेके आ रहे हैं अमिताभ सर का ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो अभी देखो सब लोग को उनकी सारी चीजें ना वापस मिल रही है। इसी सेट के अंदर आ चुके, ये तरफ है ना, इन्होंने अपना वेटिंग एरिया बना के रखा है। जो भी ऑडियंस यहाँ पर आती है उनके लिए यहाँ पर वेटिंग एरिया है ये पूरा। ये तरफ आप देखो एक लाइन लगी हुई है, जो कि ये सारे ऑडियंस है ना अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही है ना सभी का। तो अभी है ना दोपहर के 2 बजे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में शूट भी स्टार्ट होगा। और देखो सामने की तरफ एक काउंटर लगा हुआ है, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर सेट पर आ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर है ना सिर्फ यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो अभी हमारे शूट को तो थोड़ा टाइम है, तो अभी हम हमारा लंच कंप्लीट कर लेते हैं। जो कि ऑडियंस यहाँ पर आती है ना उनके लिए यहाँ पर लंच और डिनर की व्यवस्था भी ये लोग ने की रहती है। सामने जो आप देख रहे हो वेटिंग एरिया है और ये तरफ यहाँ पर सभी ऑडियंस जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर लंच रखा गया। आप देख सकते हो बाकी लोग यहाँ पर खाना स्टार्ट भी कर दिए। यहाँ पर लंच में भी काफी अच्छी चीजें है, राइस है, दाल है और छोले है। क्योंकि एक बार शूट स्टार्ट हो गया तो फिर शूट काफी देर तक चलने वाला है, करीब 3-4 घंटे तक, इसलिए फिर सभी लोगों को भूख भी लगेगी, इसलिए यहाँ पर है ना सभी लोगों को पहले लंच करवा कर ही अंदर भेजा जाता है। देखो अभी कुछ ही देर में शूट स्टार्ट होने वाला है, सभी लोगों को अंदर भेजा जाएगा। उसके पहले यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं वो सभी ऑडियंस को है ना ब्रीफिंग करते हैं कि उनको कैसा बिहेव करना है सेट पर। नया एपिसोड है तो न्यू लॉट जो आता है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है रूल्स क्या है, रेगुलेशंस के अंदर का सिस्टम कैसा था, इसलिए आपको बाहर वेट की 10 मिनट में हमने रिक्वेस्ट किया कि 10 मिनट में आपको बिठा दें अंदर। जहाँ भी बिठाए प्लीज रिक्वेस्ट है कॉपरेट कीजिएगा, आप वहीं पे बैठे रहिए। हम कोशिश करेंगे कपल्स को, फैमिली में जो लोग आते हैं एक साथ बिठाए, बट अपनी जगह मत चेंज कीजिएगा जब तक हम लोग बोले नहीं। एक बार जगह चेंज कर ली तो फिर वापस चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? नया एपिसोड है तो जब भी सर की ओपनिंग होगी बहुत सारी तालियां शोर करनी है। उसके बाद में एफएफएफ राउंड होता है। एफएफएफ राउंड में नया कंटेस्टेंट आता है, वो सिलेक्ट होता है। वो सिलेक्ट होने तक उनको माइकिंग होती है। आप बोलोगे? एफएफएफ राउंड होता है, एफएफएफ में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है हमें, माइकिंग होती है। वो टाइम पे हम आपको वॉशरूम छोड़ सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट हम लोग थोड़े थोड़े करके आपको कर सकते हैं। पानी पिलाने में 45 मिनट जाता है, वॉशरूम छोड़ने में भी आधा घंटा जाता है, तो उतना टाइम वेस्ट होता है। तो रिक्वेस्ट है कि अवॉइड कीजिएगा। एपिसोड होने के बाद, एपिसोड खत्म होने के बाद आपकी जो सीटिंग है वही सीटिंग पे बच्चन सर आते हैं, फोटोज होते कुछ स्लॉट में। एपिसोड की डेट आपको अंदर ही बता दी जाएगी,
डेट बताने के बाद एपिसोड टेलीकास्ट जब भी होता है उसके एक महीने बाद आपकी फोटोज आएगी, जो भी ब्लॉग में खींची गई सब फोटो अपलोड किए लेंगे। दोस्तों फाइनली केबीसी का शो हमने देख लिया और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, काफी एक्साइटेड और काफी मजा आ गया दोस्तों केबीसी का शो देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ केबीसी के शो में आप कैसे जा सकते हो, वहां पे जाने में आपका टिकट का पैसे कितने खर्चे आ सकते हैं और कैसे जा सकते हो, कहाँ पे पड़ता है, सारी चीजों का एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं केबीसी के शो के बारे में बता दूँ। केबीसी का शो आपको मालूम कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो क्वेश्चन आंसर अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे हम लोग ने जिस कैटेगरी का देखने गया था वह बिलो 12 एज के थे, राइट, यंग एज लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे थे जिनके सामने अमिताभ बच्चन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जिनके आंसर बताना था, आंसर के हिसाब से उनके प्राइज भी अलग अलग थे, राइट। आपको मालूम है करीब 7 करोड़ तक था। तो हमारे सामने दो बच्चे आए थे, एक बच्चे का नाम था विराट और एक लड़की की थी शायद उसका नाम श्रेया है कुछ था, बट मुझे याद नहीं, बट हाँ फाइनली कुछ था, छोटी बच्ची थी, विराट करके बंदा था जो छोटा बच्चा था 8.5 साल का था, अमिताभ बच्चन के सामने शो में बैठा था। काफ़ी अगर मैं बताऊँ उस लड़की के बारे में तो काफ़ी माइंड ब्लोइंग दोस्तों, वह अमिताभ बच्चन कुछ क्वेश्चन के आंसर को मतलब क्वेश्चन सुनते हुए आंसर बता देता था, और जिस प्रकार से शो चला और जिस प्रकार से वहाँ पे टाइम टू टाइम ब्रेक हो रहा था, वहाँ पे पानी होने के व्यवस्थे, मतलब आप शो के अंदर बैठे हो, रियलिटी शो के अंदर बैठे हो, तो वहाँ से आपको कहीं जाने के बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के अंदर अगर आपको पानी प्यास लग रही तो पानी वगैरह मिलता है। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन एक सदी का महानायक है दोस्तों, आपको मालूम होगा, और अमिताभ बच्चन इतने बड़े रियलिटी शो करने के लिए अपने आपको कैसे टाइम निकालते हैं, और वहाँ पे जिस प्रकार से आधे एक घंटे में उनको ब्रेक दिया जाता था 5 से 10 मिनट का ब्रीफिंग, और पब्लिक को और ऑडियंस को कंसेंट्रेशन जो भी लोग वहाँ पे थे उनको एक ब्रीफिंग दिया जाता कि कब किसको कब मोटिवेट करना, ताली देना, वो सारी चीज़ों का बीच बीच में आके बताते थे। तो काफ़ी अच्छा रियलिटी शो था, मज़ा आया, मैं तो पहला ऐसा रियलिटी शो फर्स्ट टाइम देखा, हमारे साथ कुछ दोस्त, मेरा भाई भी गया था, 3-4 लोग थे। और बात करते हैं यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ता, तो सबसे पहले बता दूँ दोस्तों टिकट का वैसे कोई चार्ज तो नहीं है, बट हाँ टिकट का चार्ज तो नहीं है, बट उसके लिए आपको वीआईपी पास होना जरूरी है। वीआईपी पास कैसे मिलेगा, तो मुझे किसी रिलेटिव के थ्रू मिला था, राइट, जो हमारे साथ आपने देखा होगा पिक्चर में कि हमारे साथ पिक्चर में भी थे, तो उनके थ्रू मिला था। और वीआईपी पास कैसे मिलता है तो आप लोग आपके हिसाब से पता कर लो, मुंबई में फिल्म सिटी गोरेगांव में किसी का कोई पहचान या कुछ भी हो तो वहाँ से आप ले सकते हो, और खासतर ऑनलाइन भी होता है। तो कुल मिला के वही है दोस्तों, आपका पहचान है तो आपको टिकट मिलेगा, अगर पहचान नहीं है तो बाय द वे वहाँ का सीट एक लिमिटेड सीट होता है, और अप्रॉक्स जो मैंने काउंट किया था तो कुल मिला के पब्लिक जो पब्लिक बैठी थी सीट पर वहाँ पे अप्रॉक्स 200 लोग का सीट था, तो 200 लोग बैठते थे और करीब 10 बच्चे थे, 5 लेफ्ट में 5 राइट में बच्चे बैठे थे, जहाँ पे एक एक बच्चे को उठा के अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछा था। तो हमारे सामने एक विराट करके बंदा था जो छोटा ही था 8.5 साल का, जिसका शो शायद एक महीने बाद आने वाला है, और उस शो को आप देखिए क्योंकि हम लोग ने शो को लाइव देखा है दोस्तों, और करीब एक महीने के बाद एक महीने के अंदर वो वीडियो लाइव हो जाएगा। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, अमिताभ बच्चन के साथ हम लोगों ने फ़ोटो भी ज़रूर खिंचवाया है, यस दोस्तों अमिताभ बच्चन के साथ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया, और अमिताभ बच्चन ने बारी ऐसा नहीं कि हमारे साथ, बहुत सारे जितने भी ऑडियंस है सबके साथ ग्रुप बाय ग्रुप अमिताभ बच्चन ने अपना और पर्सनल टाइम दिया, सबके साथ फ़ोटो खिंचाई, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े रियलिटी शो में अक्सर जो भी हीरो एक्टर जो भी महानायक आते हैं वो लोग अपना सिर्फ रियलिटी शो करके निकल जाते हैं, बट अमिताभ बच्चन हम्बल बैकग्राउंड के दोस्तों सबके साथ फ़ोटो खिंचाया, सबके साथ कुछ ना कुछ बातें किया बताया, तो काफ़ी अच्छा था दोस्तों। आप कभी भी आपको अगर मौका मिले तो आप जाओ केबीसी के शो में ज़रूर देखो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूले।